अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक हो। और शलवार कमीज से आप लोगों को लग ही रहोगा कि जुम्मा है भाई। तो भाई गेम जैसी है कि कुछ कामों से निकलना है, तो उन कामों से निकलने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। वो आप लोग चीज वैसे दिखानी नहीं चाहिए, कोई नहीं दिखाता, मैं दिखाऊंगा, आपका भाई सब कुछ दिखाएगा। गेम जैसी है, टेबल की हालत देखें, मतलब टेबल की हालत चेक कर रहे हैं आप, बिल्कुल जो ना खराब हुई है। तो इसको आके मैं नहीं छेड़ता, तो ये चीजें होती रहती हैं जब एडिटिंग पे बैठो, बहुत सी चीजें करो ना, तो फिर ये सब फैला हुआ रहता है। इसको आके देखेंगे, और एक और पार्सल भी आया हुआ, उसको मैंने चेकआउट नहीं किया, वो भी आके करेंगे। लेकिन अभी बाहर जाएंगे और कुछ काम है, फिर वो देखेंगे। तो मिलते हैं फिर। फ्लेक्स के चक्कर में मेरा नुकसान ही हो जाएगा, मुझे ऐसा फील होता है। भाई तो भाई निकल गया हूँ मैं, और पहले कुछ काम है। पहले अभी मैं जा रहा हूँ पहले बैंक, क्योंकि YouTube की तरफ से मुझे पेमेंट आई है, पैसा ही पैसा होगा। तो मैं जा रहा हूँ, वो मैं उठा लूँ और बोरी भर के लेकर आ जाऊँ, क्योंकि मैं आप गाड़ी में निकला भी इसीलिए हूँ कि मतलब है ना, बोरी भर के जो भी पैसे होंगे ना, वो पीछे मैं रख सकूँ। मैं बैंक इसीलिए काम से जा रहा हूँ, तो बैंक चलते हैं, पैसे का बोरा भर के लाते हैं, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, उन्होंने मना कर दिया, बोला भाई अभी तो आपको नहीं मिल सकता पैसों से बड़ा बोरा, कि अभी आपको जो है ना और मेहनत करनी है और लोगों को जोड़ना है, उसके बाद मिल। खैर सोचा अच्छा है, इंशाल्लाह अच्छा होगा भी, और बहुत जल्द आपका भाई आपको ना मजाक के अलावा सच में जाएगा और पैसे लेकर आएगा बैंक से YouTube इनकम इंशाल्लाह। देखो अच्छे वक्त के लिए अच्छा सोचना भी पड़ता है। गेम जैसी है कि कुछ काम है तो उससे निकला हुआ हूँ फिलहाल में, तो पहले वो काम निपटाते हूँ। लेकिन आज रात की गेम तो बड़ी मजे की होने वाली है, क्योंकि आज है ना 200 से मुफ्त मिलने। One eternity later. अभी तो भाई आ गया हूँ मैं अपने कामों को निपटा कर, और मैं आप लोगों को बता रहा था कि गेम्स ऐसी हैं कि भाई रात को देने वाले हैं दोस्त दावत, और दोस्तों की दावत कैसी होती है आप सबको पता है, बड़ी जो है ना मुश्किल से मिलती है। आप सबको पता होगा कि दोस्तों से दावतें लेना ना बहुत मुश्किल बात है, बहुत दोस्तों की तरफ से बड़ी नेमत वाली बात है भाई। तो यार अभी मैं बहुत थक गया हूँ, तो स्नैप लेते हैं थोड़ी सी, स्नैप लेने के बाद फिर देखते हैं कब आते हैं दोस्त। अभी टाइम कोई हो रहा है 8:30 बजने आई थिंक, तो यह है कि दोस्तों ने तो आना है मेरे ख्याल से 10 बजे, तो 1.5 घंटे का स्नैप आपका भाई लेगा, ताकि थोड़ी आंखें भी खुलें और जो फिर सारा दिमाग भी चल सके ना, आज फूड व्लॉग भी होने वाला है इसके बाद, तो लेट्स सी। दोस्त मेरा आ चुका है, और यकीन करें मैं बहुत नींद में हूँ, आप लोगों को मेरा फेस देख के पता लग रहा होगा आपका भाई बहुत नींद में। लेकिन अगर जब दोस्तों की तरफ से खाना मिल रहा हो ना, तो कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ना, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलता है। रिलेट कर रहे होंगे वॉइस आप लोग मेरी बातों से, ये ऐसे दोस्तों से खाना कोई आसान बात है, बहुत मुश्किल बात है। तो फ्रेश होते हैं यार, और फिर जो है ना चलते हैं और देखते हैं क्या गेम्स बनती हैं। भाई उधर को एक और आया है, और मोबाइल भाई के हाथ में दे दिए, कहाँ गया मोबाइल इसका? हाँ, इसको लग रहा है कि गाड़ी सेफ है। भाई आएंगे तो गाड़ी वाले से भी ले जाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी इधर कराची वालों को, बिल्कुल सामने रोकते हैं बिल्कुल। तुम लोगों का कोई टाइम टेबल है या नहीं है? नहीं है, दस बजे का डिनर का टाइम दिया हुआ है, और आ रहे हो तुम लोग 11:30 बजे। अबे साले, खाने का टाइम होता है, एक भूख लगती है बंदे को, बंदा क्या करेगा, ये मेरे को बताओ। नींद आ गई मुझे तो भाई, फुल हॉटल बना हुआ था, मैं तो लेटा हुआ था, मैंने कहा बस सो जाओ, अभी क्या करना है।
भाई अब मैंने आपको पहले ही बोला कि देखो 200 से अगर ट्रीट मिल रही हो ना तो आप सो भी रहे हो कुछ भी कर रहे हो, आप लोगों ने उठ जाना है और निकल जाना है, ट्रीट को छोड़ना बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये तो ये आप लोगों को पता ही है, सो मन्नत है मांगो, फिर धागे बांधो, फिर पता नहीं किसको किससे नीचे से निकालो, उसके बाद जाके इनका खाना मिलता है। बहुत मुश्किल टास्क है, तो जाना कहाँ है ये बताओ। अबे वो पता नहीं चाइनीज इटालियन फूड होगा उसका, पता नहीं है हमें, पता नहीं कौन सा फूड होगा उसका, ओकरा। हाँ देसी खाना है, लेकिन जाना कहाँ है ये बताओ। गाड़ी जाना कहाँ है भाई बता दो यार, कमेंट में ये जब जवाब देंगे तो फिर जब की बात जब हो जाएगी, तब खत्म हो चुका होगा, तब तब कुछ खत्म हो चुका होगा। अब मैं आ गया हूँ अपनी पैसेंजर सीट में, अब बताओगे भाई कौन खिला रहा है क्या खिला रहा है ये बताओ, तुम दोनों में से कौन क्या खिला रहा है मुझे ये बताओ, पता तो चले कि गेम क्या है। ये शीशा बंद करो ताकि आवाज हमें सही आए। तुम क्या करने आए हो? मैं तो खाने आया हूँ भाई। भाई तुम क्या करने आए हो? मैं तो खिलाने आया हूँ। मैं खिलाने आया, ये एक बंदा खिलाने आया एक बंदा खाने आया, तो यार अकेले में बोर्ड नहीं डालो ना यार, फिर वो क्या क्या मतलब खाना क्या है पहले तो ये बताओ, डिसाइड करो क्या खाना है। तुम आगे आओ, तुम्हारी आवाज नहीं आएगी, तुम पीछे से बोलो। अबे ये तो कौन सा मोबाइल लेके घूम रहा है, किधर गया कौन, ये वो किधर गया तेरा मोबाइल, छोड़ दे, ये देख ये देख इसने क्या जुगाड़ खेला है, देख रहा है निहाल बेचा भाई मोबाइल। अबे नया मोबाइल लिया भाई, ये देख ये देख ये अभी तो ट्रेड भी बनती है, बहुत कुछ बनता है। तो पहले ये बताओ ना खिला कौन रहा है, ज्यादा ज्यादा कौन खिला रहा है। अबे भाई शीशा बंद करो, ये शीशा मेरा खुला हुआ है, पता लगे यहीं से हाथ मारे यहीं से ले। भाई गेम जैसी है कि मैंने आपको पहले कहा था मैं बड़ा नींद में था जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, लेकिन छोड़ना बिल्कुल नहीं है, लेकिन खाना क्या है अभी कुछ नहीं पता। ये मेरे को लग रहा है आखिरी में ना चाय पराठा खिलाएंगे और बोले वहीं से बोलेंगे कि चलो भाई हुसैनाबाद की तरफ उल्लू लहरी एक्सप्रेस की तरफ छोड़ यार, हुसैनाबाद पे तो नहीं खाना भाई कुछ, हुसैनाबाद पे तो कुछ नहीं खाना। क्या बोल रहे हैं, हुसैनाबाद जाएंगे तो फिर गोसिया में बैठ जाएंगे, इससे अच्छा नहीं। हाँ नहीं गोसिया नहीं खाना यार, गोसिया बहुत खाली है भाई यार, वहाँ चलते हैं। कहाँ चलते हैं? जामीन पे कबाब और उस दिन जो अच्छा था वहीं पे। अरे जामीन पे चलते हैं, उसकी चटक बॉडी लेते, चटक बॉडी से भी बोल दी परवेज यामीन। अच्छा परवेज यामीन के साथ ही बहुत मशहूर है चटक बॉडी यार, हम लास्ट टाइम गए थे वो चटक चटक कर रहा था, बार बार खत्म हो गई थी, खत्म हो गई थी, वो थी नहीं। तो क्या कहते हैं चलो चेकआउट करते हैं। चटक बोटी की बनती कैसे, वो पूछते ही आगे। गजल खीरी है, चटक बोटी है, मलाई बोटी है, प्यारी बोटी है, बीफ धागा कबाब है, रेशम कबाब है, चंदन कबाब है, चिकन टिक्का है, चिकन बिहारी है। मलाई बोटी है, चटक बोटी है, धागा कबाब है, फ्राई धागा कबाब है, मलाई बोटी कर लेते हैं, फ्राई नहीं, फ्राई नहीं, नहीं नहीं फ्राई व्राई नहीं खानी भाई, फ्राई व्राई मलाई कर ले, दो चटक कर ले, एक कबाब फ्राई, कबाब उस दिन अच्छे थे, अगर अच्छा नहीं हुआ ना तुम लोगों की खैर नहीं आया, तो उस दिन हम लोगों ने कबाब खाए थे अच्छे थे, चटक बूटी नहीं खाया, बंदा ही शार्ट हो गया, बंदा ही चला गया, इन लोगों से बेदार हो गए, उन्होंने बोला को ऑर्डर तो दे नहीं रहे, एक चटक वो तेरी, हम दोनों की बीफ कबाब और चिकन, चटक नहीं मंगानी। अबे उस दिन एक चटक का इतना नाम सुना है, चटक मंगा लेते हैं, अगर ये चटक आ गया चलो दो चटक मंगवा, दो चटक चटक नहीं हुआ ना तो इसका एक मिनट में क्या कढ़ाई यार, लीमू कढ़ाई, लीमू कढ़ाई, चटक अच्छा है, ये मेरे घर के पापा ने को खाया था लच्छा, हां अच्छा लगा था ना, ये उससे बहुत अच्छा, लच्छे का भी देखेंगे, लच्छा आप लोगों को मैं सस्ता कराची का मैं समझता हूं, कराची का सस्ता तरीन लच्छा है, तो दो 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 चटक है भाई, एक मलाई भाई, है मतलब क्या मसला है तुम्हारी बाइक का, मसला सेटिंग अभी तो ठीक है, नए कार पेंट की सेटिंग कराएगा सही है। जब
जैसी है शुरू हो जाना है ये गर्मा गर्म वाला काम। अरे ये हमारा नहीं है भाई, हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी भाई की तेरी आंखें देख। चटक बूटी क्या है भाई? चटक बूटी ये चटक बूटी है, ये कैसे चटक बूटी? जब चटनी डाल दी है और बूटी इसके अंदर है ना, ये कमाल इसका ही है। मतलब चटनी इसकी बहुत जबरदस्त है भाई। ये खाना आ गया है, एक ये चटक बूटी है, ये मलाई बूटी है, वो भी चटक बूटी है, और ये भाई पराठे आए हैं इसके साथ, अभी खा के चेक करते हैं। अभी ले ले इसका, अभी रिव्यू लेंगे भाई कैसा है क्या है क्या नहीं, हम चेक करेंगे। अभी कुछ पसंद आया भाई? चुप, बिल्कुल चुप। चटक बूटी में यार माइक नहीं लगाया, माइक गाड़ी में। अबे हाथ तो हटा साले कैमरे के ऊपर, तो हाथ है तेरा। अगर नहीं हुआ फिर ये देख है। अगर नहीं हुआ फिर? अच्छा नहीं हुआ तो फिर सही है। भाई चटक बूटी खा रहे ये, और ये हमने रायते में डिप की, और ये थोड़ी देर रह के, अभी अभी कुछ भी नहीं, फिर कुछ भी नहीं, अभी ये भी है। हाँ यार एक सेकंड प्लीज। हाँ हाँ जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना, जल्दी आओ। लाइव रिव्यू देंगे आपको, गलत सही सही बताएंगे, बिल्कुल सही सही। देखो गेम ऐसी है, चिकन की मोटी जो बहुत ही ज्यादा मसाले में ना मेल्ट हुई है, इस वजह से जो है ना इसका जायका बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और नरम आ रहा है। तो भाई ये गेम थे ये, अच्छा तो ट्राई करना आप लोग, अगर अच्छा लगे तो दुआ देना, अगर बुरा लगे आपकी मर्जी।